कानपुर शहर में कोरोना से होने वाली मौतों की गिनती में घपला कर आंकड़े छिपाने का खेल चल रहा है। रोजाना होने वाली मौतों पर पर्दा डालकर स्वास्थ्य विभाग अपनी जान बचाने में जुटा है। गिनती के इस खेल में सरकारी ही नहीं निजी कोविड अस्पताल भी खिलाड़ी की भूमिका में है। विभाग की ओर से रोजाना जारी होने वाली रिपोर्ट में 24 घंटे में हुई मौतों का आंकड़ा तो कम होता है, लेकिन उससे पहले की मौतें कहीं ज़्यादा होती हैं। रिपोर्ट में 2% का तर्क दिया जाता है कि पहले हुई मौतों की जानकारी अस्पतालों में देरी से मिली, इसलिए पोर्टल पर अपडेट करने में विलम्ब हुआ। इस खेल के जरिए लोगों को ही नहीं बल्कि शासन की आंखों में धूल झोंककर कोरोना की भयावहता कम की जा रही है। मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कोरोना से 34 मौत होने की जानकारी दी गई। रोगियों की मौत शहर के 13 कोविड अस्पतालों में बताई गई। इसमें खेल करते हुए 24 घंटे में मौतों का आंकड़ा मात्र 8 दिखाया गया, ताकि संदेश यह जाए कि एक दिन में सिर्फ इतने ही संक्रमित मरीजों की जान गई है। बाकी 26 मौतों को 24 घंटे के पहले का बताया, जिन्हें पोर्टल में देर से अपलोड किया। ये 26 मौतें ना मंगलवार और ना ही सोमवार के आंकड़े का हिस्सा बनी। इस तरह 26 मौतें बट्टे खाते में चली गईं। इसी तरह सोमवार को 57 मौतों की रिपोर्ट जारी की गई, लेकिन 24 घंटे के आंकड़े में सिर्फ 6 मौतें बताई गईं। बाकी की 51 मौतें किस दिन हुई ये स्वास्थ्य विभाग ही जाने। मई के आंकड़ों में ये मौतें अब किसी दिन में नहीं जोड़ी गईं। इसी तरह रविवार को 18 मौत हुई थी, लेकिन इस दिन के आंकड़े में सिर्फ 7 मौत है। 11 मौतें कब हुई यह भी घपले में गई है। मौत के आंकड़े में छिपाने का यह खेल लगातार जारी रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।